दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने SBI बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहां मैं आपको डाउनलोड करने का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आपके SBI बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में बैंक अकाउंट डिटेल होता है और आपका ट्रांजेक्शन डिटेल होता है, यानी कि किस डेट को कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डेबिट किया गया है, पैसे को निकाला गया है, और कितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया गया है, यानी कि पैसे को डिपॉजिट किया गया है, जमा किया गया है, और कितना आपका किस डेट को बैलेंस था। ये सारा डिटेल आपको अपने बैंक स्टेटमेंट में मिल जाता है। वैसे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट की जरूरत आपको कई जगहों पे होती है। अगर आप कहीं पे लोन के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पे भी एज ए इनकम प्रूफ आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है। बाकी टैक्स फाइलिंग करते हो तो वहां पे भी चाहिए होता है। बाकी बैंक स्टेटमेंट से आप अपने एक्सपेंसेस को भी ट्रैक कर सकते हो। तो चलिए अब पूरा प्रोसेस देखते हैं कैसे आपको अपने SBI बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को डाउनलोड करना है, इसका PDF फाइल। तो इसके लिए क्या करना है, आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और गूगल पे जाकर के सर्च करना है SBI ऑनलाइन। आपको एग्जैक्टली यही सर्च करना है SBI ऑनलाइन, और SBI के वेबसाइट पे जाकर के अपने पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर लेना है। आपको SBI का वेबसाइट दिखाई देगा, इस वेबसाइट पे आ जाना है, पर्सनल बैंकिंग दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है, लॉगिन पे कंटिन्यू टू लॉगिन इस पे क्लिक करना है। आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर नेम पासवर्ड इंटर कर दोगे, जो कैप्चा यहाँ दिखाई देता है वो इस बॉक्स में टाइप कर देना है और लॉगिन कर लेना है। वैसे यहाँ पे जो आपको यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करना होता है, वही यूजर नेम और पासवर्ड आप योनो ऐप में भी, योनो SBI ऐप में भी इंटर करके उसमें रजिस्टर करते हो, लॉगिन करते हो। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS में 6 डिजिट का OTP आता है, वो OTP यहाँ पे इंटर कर देना है और सबमिट कर लेना है। इस तरीके से आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए माई अकाउंट एंड प्रोफाइल ये दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको अकाउंट स्टेटमेंट दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। ये काम आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हो, यानी कि मोबाइल से भी स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करके। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है जिसका भी स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो। यहाँ पे मेरे केस में 2 बैंक अकाउंट दिखाई दे रहा, क्योंकि मेरा ज्वाइंट अकाउंट है मेरे फादर के साथ, तो दोनों अकाउंट यहाँ पे शो हो रहा। बैंक अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों, स्टेटमेंट डाउनलोड करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे आप केवल लास्ट 36 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि 3 साल पुराना स्टेटमेंट तक डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक बार में केवल आप 12 महीने का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और तो और, हर बैंक स्टेटमेंट में मैक्सिमम 299 एंट्रीज ही होता है, यानी कि इस टाइप का एक एक एंट्री 299 बार होगा। तो आजकल क्या है, UPI का जमाना है, हम लोग हर महीने ही 200-300 ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई 1 साल का स्टेटमेंट एक बार में डाउनलोड करना चाहो तो हो सकता है उसमें सारा ट्रांजेक्शन ना आए, क्योंकि 299 एंट्री ही हर स्टेटमेंट में आता है। तो आप मंथ वाइज या फिर 3-3 महीने करके क्वार्टरली स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है कि बाय डेट आप 2 डेट के बीच में स्टेटमेंट को डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर 2 मंथ सेलेक्ट करके उन 2 मंथ के बीच में स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर लास्ट 6 मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहते हो, या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर का डाउनलोड करना चाहते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप लास्ट 6 मंथ का या फिर कोई फाइनेंशियल ईयर का स्टेटमेंट डाउनलोड करते हो सकता है उसमें सारा ट्रांजेक्शन ना आए। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि बाय डेट या फिर बाय मंथ आप डाउनलोड कर लो। मैं यहाँ पे बाय डेट डाउनलोड करना चाहता हूँ। सिंपली इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। मैं यहाँ पे पिछले महीने के 1 तारीख से लेकर के इस महीने के जो करंट डेट है वहाँ तक का स्टेटमेंट डाउनलोड करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आप बैंक स्टेटमेंट को व्यू करना चाहते हो, प्रिंट करना चाहते हो, या फिर डाउनलोड करना चाहते हो। तो अगर आप व्यू करना चाहते हो तो केवल व्यू करने का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप एक्सेल शीट में डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करोगे। आप स्टेटमेंट को एक्सेल शीट में डाउनलोड करोगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर आप स्टेटमेंट का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हो तो इसको सेलेक्ट करोगे। उसके बाद यहाँ पे गो पे क्लिक करना है, और इस तरीके से आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाता है।